नमस्कार, मैं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं द वंदे भारत का खास शो यूपी वाला। इस वीडियो में आज बात उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर रही 28 नवंबर को होने वाली टीईटी 2021 की परीक्षा। 2021 टीईटी की परीक्षा रविवार को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होनी थी, लेकिन सुबह खबर आई कि पेपर लीक हो गया है। तत्काल मुख्यमंत्री ने परीक्षा को रद्द कर दिया। परीक्षा के रद्द होते ही सभी विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरने की कोशिश की और आरोप लगाया कि सरकार में तमाम बार इस तरह के छात्रों को परेशानियां हुई हैं और तमाम बार इस तरह की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। जाहिर है उत्तर प्रदेश की सरकार पर विपक्ष ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो अपराधियों पर लगाम लगाने में नकुशल है। सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर भी युवाओं को बनाने की कोशिश की और तत्काल प्रभाव से एक आदेश जारी किया कि उत्तर प्रदेश टीईटी जो 2021 की परीक्षा थी उसमें जो लाभार्थी या जो अभ्यर्थी पहुंचे हैं उनको वापस जाने के लिए बस में कोई किराया नहीं देना होगा, बल्कि अपना एडमिट कार्ड दिखाकर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा। इससे भी कहीं ना कहीं युवाओं में एक खुशी की लहर हुई कि कम से कम हमारा समय बर्बाद हुआ, लेकिन कम से कम हमारा किराया बचा और उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना भी की। लेकिन वहीं कुछ और छात्र भी ये कहना नहीं भूले कि उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों को रोजगार देने में या परीक्षा कराने में नाकाम साबित हुई है। लगातार विपक्ष ने उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस तरह के कारनामों में कहीं ना कहीं युवाओं को बुलाने में और कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा को दिखाने में भी पीछा नहीं छोड़ते। इसीलिए उन्होंने टीईटी परीक्षा रद्द होने के बाद सभी अभ्यर्थियों को मुफ्त में अपने घर पहुंचाया और साथ ही आदेश जारी किया कि दोबारा जब अगली डेट आएगी तो उसमें भी किसी परीक्षार्थी को जो दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने का जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब उन्हें कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस समय किसी भी चीज़ को हल्के में लेना नागुजर है, क्योंकि 22 में विधानसभा चुनाव नज़दीक, इसलिए विपक्ष किसी भी मौके पर सरकार को घेरने में नहीं चूक रहा, लेकिन सरकार भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। तो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए देखना न भूलें द वंदे भारत का खास शो यूपी वाला।